हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट सेमेस्टर स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा साथ ही हम लोग 9 मई का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही सभी क्वेश्चन का मैं फैक्ट आपको बताते चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनत एट कारगी द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाल ही में बिजनत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजनत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक है कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी। ठीक है, कर्नल बी एन थापर वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजनत थापर के पिता है, जबकि नेहा द्विवेदी कैप्टन विजनत थापर की पुत्री है। कैप्टन विजनत थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को हुआ था और वे सेना में 12 दिसंबर 1988 को शामिल हुए थे। उनका कारगिल युद्ध के नोल हमले के दौरान 26 जून 1999 को सिर में गोली लगने के कारण निधन हो गया था। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है @MyNextJobPlus। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर जाएं। टेलीग्राम में 2019 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को पीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पीएससी का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसका हिंदी होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पीएससी ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पीएससी का काम होता है भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों को जांच करना तथा खाते को देखना। पीएससी में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वे सब एक वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 मई। हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड्स कॉन्टेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, सभी मई का दिवस इस प्रकार है, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। यानी जो लोग अब 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु में 235 विधानसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है और 39 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां जहरीली गैस रिसाव से सबसे बड़ा हादसा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में
जहरीली गैस रिसाव से हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में स्टाइन गैस लीकेज के कारण सबसे बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, आपको बता दें कि इस हादसा में 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस रिसाव के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसमें हजारों लोग गैस रिसाव के कारण बीमार हुए और कुछ लोग सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होने के कारण निधन हो गया है। इस गैस के बारे में हम टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे चुके हैं, इसके बारे में टेलीग्राम में जाकर पढ़ ले। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश में 58 विधान परिषद है, 176 विधानसभा है और 11 राज्यसभा सीट है। लोकसभा की बात करें तो 25 लोकसभा सीट है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तुमान रखने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तुमान रखा है। ईरान सरकार के बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तुमान में बदला जाएगा। ठीक है, एक तुमान बराबर होता है 10,000 रियाल, यह आपको याद रखना है, एक तुमान बराबर 10,000 रियाल। ईरान की बात है तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनके कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है। साथ ही दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास से लक्ष्य का समर्थक भी है। अब जान लेते हैं गुडविल एम्बेसडर की भूमिका क्या है। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने, जागरूकता पैदा करने का कार्य करती है। उनकी सेवाओं की अवधि सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या। यूएनईपी कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य सरकार बंद पड़े स्कूलों के कारण छात्रों के उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षक की मदद से मिड डे मील वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। यह रॉकेट चीन के हेयान द्वीप पर स्थित वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। चीन की बात है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफा अल कादमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इराक। मुस्तफा अल
कादमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे आदिल अब्दुल महदी का स्थान लिए हैं, जो पिछले साल नवंबर में इराक के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था। इराक की बात है तो इराक के राष्ट्रपति हैं बरहम साली। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड सरकार ने हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड की बात है तो झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होकर। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 6 राज्यसभा सीट है और 81 विधानसभा सीट है। एंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में कहां के केसर को जीआई टैग दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर। इसके बारे में हम टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दे चुके हैं, कहां कहां का किस सामान को जीआई टैग दिया गया, वहां से जाकर पढ़ ले। क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाएं। ट्रेन का पार्ट 3 हो चुका है, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले। धन्यवाद।